हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज। तो जो आज की हमारी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको सेल वाउचर की डुप्लीकेट एंट्री पास करनी है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। जब हमारे पास समय कम होता है तो हम शॉर्टकट से सेल वाउचर की डुप्लीकेट एंट्री को पास कर लेते हैं, और जिससे कि हमारी एक नया फ्रेश वाउचर क्रिएट हो जाता है। और अगर हम उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस वगैरह करने होते हैं या फिर एंट्री एडिट करनी होती है तो हम वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना सेल्स वाउचर ओपन कर लेंगे। सेल वाउचर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर केवल ऑल्ट टू प्रेस करना है। ऑल्ट टू प्रेस करने के बाद आपका यहाँ पर डुप्लीकेट वाउचर ओपन हो जाएगा। डुप्लीकेट वाउचर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर उसकी डेट को चेंज कर देना है। जब आप उसकी डेट को चेंज कर लेंगे तो अगर आपको यहाँ पर उसके पार्टी नेम को भी चेंज करना है तो उसके आप उसके पार्टी नेम को चेंज कर सकते हो। नेम ऑफ आइटम में अगर आप वही आइटम रखना चाहते हो वही आइटम रख सकते हो, या फिर आप उसके आइटम को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप क्वांटिटी में अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप क्वांटिटी में चेंजेस कर सकते हो। और अगर आप कोई नई अगर आप कोई न्यू आइटम ऐड करना चाहते हो इसमें तो आप वो न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हो। इसके हमने न्यू आइटम जो हमने कंप्यूटर ले लिया है। अब आपको कंट्रोल ए से प्रेस करके आपको एंट्री को सेव कर देना है। एंट्री सेव करने के बाद जो आपका जो वाउचर है वो आपका जो आपका डुप्लीकेट वाउचर है वो यहाँ पर आपका वाउचर क्रिएट हो गया है। हम ओपन करने के बाद जो हमारा डुप्लीकेट वाउचर है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब तो अब अगर आपको डुप्लीकेट वाउचर्स को तैयार करना है तो आप उसको उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑल्ट टू प्रेस करके अगर आप उसमें डेट वगैरह चेंजेस वगैरह करनी है तो आप डेट वगैरह चेंज कर सकते हो। और उसमें अगर आपको कुछ एडिट वगैरह करनी हो तो आप उसमें आसानी से एडिट कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।